अमरावतीगंज फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस द्वारा सुरक्षा अभियान चलाया गया। साथ ही साथ नियमों को मानने वालों को यहां पर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही संपार फाटक पर सेफ्टी ड्राइव किया गया और गेटमैन राम भुवन को संयुक्त रूप से काउंसलिंग भी दी गई। आकस्मिक संपर्क नंबर की लिस्ट गेट पर चस्पा की गई। बाद में आरपीएफ चौकी के सह उप निरीक्षक कपिल शर्मा, स्टाफ के सभी जवानों ने संपार फाटक पर आने जाने वाले व्यक्तियों को बंद फाटक होने पर फाटक को पार नहीं करने और रेल के नियमों का पालन करने की समझाइश दी और नियमों का पालन करने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। हमारे चर्चगेट मुख्यालय द्वारा निर्देशों के अनुसार ये संयुक्त रूप से हम लोग संपार फाटक पर एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके लिए जो यातायात सड़क यातायात के से जो आने जाने वाले ग्रामीण या अनजान व्यक्ति जिसको नहीं रेल के नियमों से मालूम होता तो उनको जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा क्या होता है कि जिसमें अपने रेलवे कर्मचारी है उनके अंदर उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जानकारी दी जाए रेलवे के नियमों का। संपार फाटक बंद होने के सड़क यातायात से बंद होने के बाद में अगर उसको जानलेवा बना था, क्योंकि किसी भी ट्रेन की स्पीड 1 मिनट में 1 किलोमीटर मिनिमम होती है तो आदमी उसको पार नहीं कर पाएगा और जब तक रन ओवर होने के चांसेस रहते हैं, जान को गंभीर खतरा रहता है और ये एक म्युनिसिपल ऑफेंस भी है। इसी के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको एक ये पखवाड़ा सतर्कता पखवाड़ा के नाम से ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, हर उस पर ग्रामीणों को इसके लिए जागरूक किया जाता है और उसी के अनुसार ये प्रोग्राम ने कल ऑर्गेनाइज किया था। चंद्रावतीगंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट।